हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल नितिन सोनी सर इंग्लिश में। नई शिक्षा पद्धति कैबिनेट ने पास कर दी, तो आज की वीडियो में हम नई शिक्षा नीति क्या क्या परिवर्तन होंगे हमारी शिक्षण पद्धति में और शिक्षा व्यवस्था में उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये जो शिक्षा पद्धति है ये तीसरे नंबर की नई शिक्षा नीति है। मतलब सबसे पहले 1968 में एक शिक्षा पद्धति आई, उस समय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी, क्योंकि कोठारी आयोग के अनुशंसा पर यह शिक्षा पद्धति या शिक्षा नई शिक्षा नीति उस समय पर लाई गई। उस समय भी कोठारी आयोग ने इस बात की अनुशंसा की थी कि कुल जीडीपी का, जी हाँ जीडीपी का 6% लगभग हमें शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, पर यह बात वहाँ भी संभव नहीं हो सकी। उसके बाद अगली शिक्षा नीति आई 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, उसे लागू किया गया। यहाँ पर भी जीडीपी में जो मनोवांछित 6% जो हमारे जीडीपी का खर्चा शिक्षा पे होना चाहिए था, नहीं हो सका। अब आई बात मोदी सरकार की। 2014-15 में जैसे सरकार बनी, इनकी पॉलिसीज में था कि नई शिक्षा नीति लाएंगे, इसके लिए कुछ कमेटियाँ भी बनाई गई, पर डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। फिर कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिनके सुझावों को मानते हुए 30 जुलाई 2020 कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को लागू करने पर अपनी सहमति दी। अब इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी जीडीपी का लगभग 6% भाग अब शिक्षा पर खर्च होगा। अभी तक बहुत कम, यानी कि 2.7% के आसपास जीडीपी का शिक्षा पर खर्च होता था। अब आप सोच सकते हैं इतने बड़े देश में इतने कम पैमाने पर शिक्षा पर खर्च होता था, तभी तो हम कई मामलों में तकनीकी हो या कई मामलों में विदेशों से पिछड़े हुए नजर आते थे। वहीं छोटे छोटे देश की बात कर लें, बड़ों की तो बात ही नहीं, जिम्बाब्वे, भूटान एक गरीब देश माना जाता है, पर वो अपनी इकोनॉमी का यानी कि जीडीपी का लगभग 7.5% भाग शिक्षा पर खर्च करता है। और फिनलैंड का शिक्षा मॉडल पूरे विश्व में फेमस है, लगभग 7.5%। तो इनकी बराबरी तो नहीं, अभी हम 6% जो है जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करेंगे। अब परिवर्तन क्या होगा, अभी तक हमारी स्कूलिंग 10+2 पद्धति पर चलती थी और 3 साल का कॉलेज का डिप्लोमा हमारा होता था। अब शुरुआत करते हैं समझने पे नई शिक्षा नीति को। सबसे पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। जी हाँ, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय, जो कि शिक्षा के काम को देखेगा। जीडीपी का लगभग 6% भाग अब शिक्षा पे खर्च होगा। अब जो शिक्षा पद्धति आई है वो 5+3+3+4 इस सिनेरियो में आएगी, जो कि 10+2 हुआ करती थी पहले। शुरुआत करते हैं पहली से फिफ्थ तक के एजुकेशन में। फर्स्ट और सेकंड में जो है बच्चों का फाउंडेशन मजबूत किया जाएगा, और यहाँ पर उनकी भाषागत मान्यताएं, भाषागत जो कंपल्सरीनेस होती, जो कंपेलनेस होती है वो खत्म की जाएगी। मतलब उनके जो मातृभाषा के साथ रीजनल लैंग्वेजेस जिसमें उन्हें समझने में आसानी हो उनको इंक्लूड किया जाएगा, साथ में संस्कृत के महत्व को भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का जो समय रहेगा बच्चों का वो मेन रहेगा, वहाँ उनके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ये हो गई फर्स्ट और फिफ्थ की बात। अब एक बात और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि सारे भारत में कुरिकुलम लगभग अब एक जैसा ही रहेगा, इसकी जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दे दी गई है। मतलब अगर कोई बंदा एमपी में पढ़ रहा है या किसी एक स्कूल में पढ़ रहा है और दूसरे स्कूल की सेम क्लास से अगर वो देखे, तो कई बार होता ना कि भाई मैंने तो ये किताबें पढ़ी हैं, वो अब नहीं होगा, सारा पाठ्यक्रम एक जैसा रहेगा। 6, 7, 8 की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर क्या होगा, अब पाठ्यक्रम के साथ साथ जो एनालिटिकल पोर्शन है उस पर भी काम होंगे। मतलब स्टूडेंट्स को टेक्निकल चीज़ों की तरफ लेके जाया जाएगा, जैसे कि बचपन से छोटे छोटे प्रोग्राम्स, कोडिंग, डिकोडिंग जो कि चाइना वगैरह में होता है वो शुरू से ही सीखेंगे, जिससे उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ेगा। अब बात करते हैं 9th, 10th, 11th, 12th की। सिर्फ एक ही बोर्ड परीक्षा होगी जो कि क्लास 12th में रहेगी। अब क्या होगा, स्टूडेंट्स 9th, 10th, 11th, 12th में जो कुरिकुलम है उसके साथ साथ अपने गोल को अचीव करने में सहायक चीज़ें भी पढ़ेंगे, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर वाइज होगी, मतलब साल भर में सिर्फ 2 एग्ज़ाम, और उसके रिजल्ट्स में, स्टूडेंट्स के रिजल्ट में शिक्षकों के साथ छात्रों का मूल्यांकन भी शामिल रहेगा, साथ में उसने जो अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है वो मार्क्स भी उसमें दिखाए जाएंगे, ताकि ओवरऑल उसके फीचर्स हमको पता लगे। कई बार बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है पर अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर छुपेंगी नहीं। ये बात होगी 12th की। अब बात करते हैं कॉलेज की।
सारे भारत में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक ही कॉमन एग्ज़ाम होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी दी गई है एनटीए को, मतलब पूरे भारत में एंट्रेंस के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। एमफिल जो कि एमए यानी कि मास्टर्स और पीएचडी के बीच की एक लिंक मानी जाती थी, उस एमफिल एग्ज़ाम को भी अब ख़त्म कर दिया गया। आफ्टर ट्वेल्थ बात करते हैं, आफ्टर ट्वेल्थ क्या होगा। जैसे स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार ट्वेल्थ के बाद किसी कोर्स में एडमिशन लिया, सपोज करें बीएससी या बी करने का, एक साल किया फिर मन नहीं लगा छोड़ दिया, तो पूरा एक साल खराब होता है। अब ऐसा नहीं होगा, अब ग्रेजुएशन 3 या 4 साल का होगा, समझिएगा 3 या 4 साल का। मतलब जैसे कि अब इसको हम देखते हैं तो पहले साल में स्टूडेंट को मिलेगा सर्टिफिकेट, सेकेंड साल यानी कि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पे मिलेगा डिप्लोमा, और तीसरे साल पे मिलेगी डिग्री। अब इन मैंने 3 और 4 साल बोला है, 3 साल का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाना है वो 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, पर जिनको हायर एजुकेशन के लिए मतलब पीजी कोर्सेज के लिए जाना है उन्हें 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और मास्टर्स यानी कि सपोज करें वो एमए कर रहा है तो वो एमए सिर्फ 1 साल का ही वहाँ पर रहेगा। तो ये बात हो गई इसके कॉलेज की आफ्टर ट्वेल्थ की। मतलब इसमें मल्टीपल जो है चॉइस सिस्टम जो दे दी गई है, स्टूडेंट्स का साल खराब यहाँ पर ना हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात करते हैं जैसे कि पीसीएम की बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। पहले यहाँ पर कॉलेजेस में वेब डिज़ाइनिंग यानी कि फैशन डिजाइनिंग वाले कोर्स इंक्लूड नहीं थे, अब केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ ये भी इंक्लूड रहेंगे। और सारे पाठ्यक्रम में इंग्लिश की जो अनिवार्यता थी उसे खत्म करके इंग्लिश अब एक एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अब जैसे CBSE में मैथ्स को दोनों लैंग्वेजेस पढ़ाया जाता है, अब सारे सब्जेक्ट्स को दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। कुल मिला के पढ़ाई का मेन फंडा जो है एजुकेशन के साथ स्किल्स पे फोकस करना रहेगा। अब हम बात करते हैं मार्किंग की, तो स्टूडेंट्स के लिए अकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा। जी हाँ, अकेडमिक क्रेडिट बैंक, इसमें क्या होगा आपके कोर्स के जो है मार्क्स के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं उनके मार्क्स भी क्रेडिट किए जाएंगे। अब मान लो अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर है आपके क्रेडिट एकेडमिक क्रेडिट स्कोर को चेक करेगा कि आपका क्रेडिट कितना है, और उससे आपको टोटल जो है इवेल्युएट कर पाएगा कि आप में कितनी दम है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज उस चीज़ के लिए कितना है। कॉलेज में भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके रिजल्ट के साथ साथ अदर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी जुड़ के आएंगे, जिससे क्या होगा कि अगर आपके थ्योरी में मार्क्स कम है तो प्रैक्टिकल से आप उसको जो है बराबर लेके जा सकेंगे। सारे रिजल्ट्स के साथ कॉलेज में एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी अब जुड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली। सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अब सेम एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, लेकिन लीगल कोर्सेज और मेडिकल, क्योंकि इनके पैटर्न अलग हैं, फिलहाल इनको उससे अलग रखा गया है। तो ये तो बात थी नवीन शिक्षा नीति की, जो कि 30 जुलाई को जो है कैबिनेट ने इसको प्रस्ताव पारित किया है, और जो विभिन्न चीज़ें हैं मैंने आपकी उन्होंने बताई। मुख्य बिंदु या फिर से डिस्कस करते हैं कि ये 5+3+3+4 इस पैटर्न पे काम करेगी, जो कि अब तक 10+2 थी। तीसरी शिक्षा नीति 1986 के बाद यानी कि लगभग 34 साल बाद श्री कस्तूरी रंजन जी की समिति जो थी उसके अनुशंसा पर ये जो चेंजेस हम किए जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब 1986 के बाद एक्चुअली ये हुआ था कि 1992 में भी कुछ चेंजेस किए गए थे, पर ये शिक्षा नीति पूरी जो है हमारी 2020 में लागू मानी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर से एक बार, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, और शिक्षक बनना अब हो गया है थोड़ा सा मुश्किल। अब TET यानी कि जो एक रिटर्न टेस्ट है उसके बाद आपको देना पड़ेगा एक डेमो जो कि लगभग 7 से 8 मिनट का रहेगा, उसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा। मतलब अब टीचर बनने की राह थोड़ी सी पहले की अपेक्षा मुश्किल हो गई। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।